जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, आपके ध्यान में होगा कि हमने चर्चा की हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के सामने एक सुनहरा अवसर पैदा हुआ है यूरोप में अपना स्टील कारोबार बढ़ाने का। इसी बैकग्राउंड में टाटा स्टील ने लिया है एक बड़ा निर्णय। टाटा स्टील, जो कि भारत की एक बड़ी स्टील मेकर कंपनी है, उसी की सहायक कंपनी टाटा स्टील यूरोप ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके अंतर्गत अब टाटा स्टील यूरोप रूस के साथ कोई कारोबार नहीं करेगी। पहले भी टाटा स्टील यूरोप की ना तो रूस में कोई फैक्ट्री थी ना ही इम्प्लॉई था, तो सवाल उठता है कि उन्होंने फिर रूस में कारोबार बंद करने का निर्णय क्यों लिया। तो दोस्तों, टाटा स्टील यूरोप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था रूस से, इसलिए टाटा स्टील यूरोप ने निर्णय लिया है कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इंडिया और ब्रिटेन में, वह रूस से किसी भी प्रकार का रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करेंगी। उदाहरण के लिए कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है स्टील प्रोडक्शन में। तो इस प्रकार टाटा स्टील यूरोप ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब रूस के साथ उनका कोई कारोबार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा स्टील यूरोप जो है भारतीय टाटा स्टील की सहायक कंपनी है। जो टाटा स्टील भारत में प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल की सप्लाई अभी भी रूस से आ सकती है। दूसरे शब्दों में, टाटा स्टील यूरोप ने रूस के साथ कन्नी काटी है। टाटा स्टील इंडिया ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। टाटा स्टील इंडिया बराबर रूस के साथ कारोबार करती रहेगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि टाटा स्टील यूरोप ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। तो इसके जवाब का अंदाजा आपको भी होगा। यूरोप और अमेरिका ने रूस के ऊपर लगाए हैं आर्थिक प्रतिबंध। इन आर्थिक प्रतिबंधों की आंच किसी भी हालत में टाटा स्टील यूरोप के कारोबार पर नहीं पड़नी चाहिए, यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है टाटा स्टील यूरोप, क्योंकि उसका सबसे अधिक कारोबार यूरोप में है। ब्रिटेन की वह सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में गिनी जाती है, इसलिए यदि वह रूस के साथ कारोबार करेगी तो हो सकता है कल टाटा स्टील यूरोप के मेन मार्केट पर ही तलवार लटक जाए। इसलिए टाटा स्टील यूरोप एक प्राइवेट कंपनी है, उसको अपने कारोबार, अपने मार्केट, अपने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेने का पूरा अधिकार है कि उन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है और कहाँ से नहीं लेना है। आपके ध्यान में होगा, कुछ दिनों पहले ही भारतीय कंपनी इंफोसिस ने रूस के साथ कारोबार ना करने का निर्णय लिया था। इन्फोसिस की तरह ही टाटा स्टील एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों ही अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए दोस्तों, जहां तक हमें समझ में आता है, टाटा स्टील यूरोप ने जो निर्णय लिया है वह एकदम सही है। यदि आपको लगता है कि टाटा स्टील यूरोप ने यह निर्णय लेकर गलती की है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।